असलम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आइन आई एम योर इंग्लिश टीचर सो लेट्स विद योर एप्लीकेशन बुक स्टार्ट बाई ओपनिंग एट पेज नंबर नाइनटीन दैट इज कॉटन बर्ड प्रिंटिंग ठीक है फॉर दिस यू नीड दीज थिंग्स कॉल्ड काटन बर्ड ठीक है इसको हम कॉटन बर्ड बोलते हैं ये आपको ईजीली अवेलेबल होगा मार्केट में कहीं पर भी ठीक है एंड यू नीड सम ठीक दिस इज एन एक्टिविटी एंड यू नीड सम पेंट फॉर इट सो आई वुड प्रेफर ग्रीन पेंट बिकॉज लीव्स मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर के ही होते हैं यू कैन यूज येलो और ऑरेंज एज वेल टू शो ऑटम सीजन और समथिंग एज सच ठीक है सो व्हाट डू यू हैव टू डू हियर? यूज कॉटन बर्ड प्रिंटिंग टू मेक लीव्स ऑन द ट्रीज वी हैव ए ट्री हेयर हमें यहाँ पे एक ट्री दिया गया है और हमें बताया गया है कि आपको इस पे क्या करना है कॉटन बड से लीव्स प्रिंट करने हैं ठीक है सो यू हैव टू प्रिंट लीव्स और मेक लीव्स यूजिंग दीज बड्स ठीक है नाउ हाउ वुड यू यूज दीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको पेंट में डिप करेंगे ठीक है यू विल डिप इट इन पेंट एंड देन फॉर लॉन्गर लीव्स यू कैन यूज इट लाइक दिस आप इसको साइड वेज डेल्ट करके यूज कर सकते हैं ठीक है मेकिंग अ प्रिंट लाइक दिस ठीक है और फॉर स्मॉलर लीव्स और इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू मेक डॉट्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं ठीक है इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लीव्स ये भी लीव्स के जैसे ही लगेंगे ओके सो अगेन आप किसी और कलर के भी यूज कर सकते हैं I've used light green and I've dark green here. So once you're done with this side, अगर आपका ये वाला side complete हो जाए और आप कोई और color use करना चाहे, then you can use the other side of the bud, okay? But make sure कि जो भी आप print करें, वो leaf के जैसा ही लगे, okay? You can dip the other side in a darker shade of color or different shade of color. ठीक है वो आपकी मर्जी है यू कैन डू दैट आफ्टर दैट विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन यू कैन मेक लार्जर प्रिंट्स और स्मॉलर प्रिंट्स ऑफ लीव्स या आप इन दोनों कलर्स को शेड्स को मिक्स भी कर सकते हो ठीक है यू कैन मिक्स दैम एंड मेक इट लुक लाइक अ गुड हेल्दी ग्रीन टी ओके ग्रीन ट्री यूल गो ऑन डूइंग दिस टिल योर एक्सरसाइज इज डन ओके जब तक आपकी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती है जब तक आपका ट्री थोड़ा फुल नहीं लगता इट डजेंट लुक लाइक अ ट्री टिल देन आप ऐसे ही करते रहोगे ठीक है सो दिस वॉज अबाउट दिस बुक इन द सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे किया है यू कैन इन द सेम वे कंटिन्यू एंड मेक अ होल ट्री आउट ऑफ इट ठीक है आफ्टर दैट

ठीक है सो वॉट डू हैव टू डू हेयर यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ कैथी और द स्टोरी फॉर सी फॉर द आल्फेबेट जिसका नाम सी है और इसको पढ़ते कैसे है इसकी आवाज के के जैसी आती है इट्स साउंडस लाइक के कैथी जब आप सुनते हो सी कम टू योर माइंड के कम्स टू योर माइंड ठीक है आप जब कैथी का नाम सुनते हो आपके दिमाग में के से कैथी आता है नॉट सी राइट सो इट इज एन अल्फाबेट जिसका नाम सी है पर इसकी आवाज इट साउंड्स लाइक के इसकी साउंड के से रिजेंबल करती है सो कैथी एंड द केक यू विल अंडरस्टैंड इन दिस की सी की प्रोनाउंसिएशन कैसी है ठीक है हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स दैट कम और दैट आर रिटर्न विद लेटर सी ओके Kara lives in a little cottage. Kara कहाँ कारा रहती है एक छोटी सी cottage में Cottage क्या होता है एक घर ठीक है Cottage is a small house. She lives in a little cottage near a castle. वो कहाँ पे रहती है किसके नजीक Near a castle. Castle क्या होता है पैलेस या महल एक महल के पास ठीक है शी has अ कडली कैट नेम्ड कैथी उसके पास एक कडली कैट है कडली मतलब बहुत खुश मिजाज वो हरे के साथ खेलती है या बहुत प्यारी है ठीक है शी इज अ कडली कैट जिसका नाम कैथी है सो हु लिव्स विद कैथी हु डज कैथी लिव विद कैथी किसके साथ रहती है कारा के साथ है ना दिस इज कारा एंड दिस इज हर कैट कैथी कैथी लिव्स विद कारा उसके बाद कैथी लव्स टू ईट केक्स थी को क्या पसंद है केक्स सो कारा डिसाइड्स टू बेक अ कैरेट केक कारा क्या डिसाइड करती है वट डज शी डिसाइड टू बेक अ कैरेट केक कैरेट मतलब गाजर आप सबको पता है वट डज कैरेट मीन इट्स अ इट्स कॉल्ड गाजर इन हिंदी एंड उर्दू एंड कैरेट इज अ वेजिटेबल ठीक है शी डिसाइड्स टू मेक अ कैरेट केक वो एक कैरेट केक बनाएगी किसका केक कैरेट्स का या गाजर का ठीक है यू सी शी हैज कैरेट्स हेयर राइट सो शी इज गोइंग टू मेक अ केक आउट ऑफ कैरेट्स शी काउंट्स द कैरेट्स व्हाट डज शी डू शी काउंट्स द कैरेट्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड बिगिंस टू मेक द केक हाउ मेनी कैरेट्स डिड शी काउंट उसने उसके पास कितनी कैरेट थी वन टू थ्री फोर फाइव शी है केक इज रेडी कारा सर्व द केक विद कुकीज एंड क्रीम जब केक तैयार हो जाता है कारा क्या करती है शी सर्व द केक वो कैथी को वो केक दे देती है शी गिव्स द केक टू कैथी बट विथ कुकीज एंड क्रीम शी गिव्स इट टू हर विथ कुकीज दैट इज बिस्किट्स एंड क्रीम क्रीम के साथ ठीक है इट इज द बेस्ट केक कैथी हैज एवर सीन ये कैथी को जो कैथी ने आज तक केक्स खाए हैं है, उन उनमें से सबसे बेस्ट केक था ठीक है we'll read it again: "kara lives in a cottage near a castle. she has a cuddly cat named kathy. kathy loves to eat cakes, so kara decides to bake a carrot cake. she counts the carrots, one, two, three, four, five, and begins to make the cake. when the cake is ready, kara serves the cake. With cookies and cream. It is the best cake Kathy has ever seen. Hai? I hope you have understood both the activities regarding the tree as well as the story for K or C. Sound of K and for the alphabet C. Hai? Take care. Thank you. Allah Hafiz.